हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 16 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। लेकिन देखिए, 16 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, जो हमने 15 तारीख के लिए कल्याण के लिए 15 तारीख के लिए कल्याण के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड सी गेम में यहाँ पर देखिए हमने ज़ीरो गेम के बारे में बात किया था। और देखिए 15 तारीख के गेम में क्या गेम बना है, 15 तारीख के गेम में यहाँ पर देखिए जोड़ी गेम में 30 का जोड़ी गेम बना है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड सी गेम से यहाँ पर देखिए ज़ीरो क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि हमने 15 तारीख के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड सी गेम में ज़ीरो गेम के बारे में बात किया था, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड सी गेम से ज़ीरो क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 15 तारीख का वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों को देखना है, चेक करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 16 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए 16 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और जो मैं आप लोगों को 16 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 16 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, गेम देखने से पहले, लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ आपको पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन सबको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं, जो कि आज हम 16 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे, तो देखिए लाइन यहाँ पर 15 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 15 तारीख के गेम से ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, उसके बाद जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे, उसके बाद क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 16 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 157 का अंक। उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 30 का जोड़ी गेम। उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 145 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, उसके बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो देखिए लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए जो अभी मैं आप लोगों को लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन समझाने वाला हूँ, इसको आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप लोग स्किप करके देखोगे, वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, लाइन को पूरा नहीं देखोगे, तो कहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग लाइन को भी पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेंगे, तो फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को अभी हम साइड में और एक बार लिख लेंगे। तो ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 157 का अंक। तो देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 का अंक बनेगा, उसके बाद 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 का अंक बनेगा, उसके बाद देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा, उसके बाद 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 का अंक बनेगा, उसके बाद 7 और 3 को फिर से जोड़ देंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो अभी 1 और 1 को फिर से जोड़ देंगे 2 का अंक बनेगा,
वन और वन को अभी फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से जीरो का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए टू और जीरो का अंक देखने को मिला है। तो देखिए ये लाइन मैं आप लोगों को और एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को एक बार में लाइन समझ में नहीं आता है, तो और एक बार लाइन समझाने से उन लोगों को समझने में आसानी होता है। और देखिए अगर एक बार लाइन करने में अगर कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक होता है तो और एक बार लाइन समझने से वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए लाइन और एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 157 का अंक, तो 1 और 5 को जोड़ा 6 का अंक बना, उसका 5 और 7 को जोड़ा 12 का अंक बना, उसका 6 और 1 को जोड़ा 7 का अंक बना, उसका 1 और 2 को जोड़ा 3 का अंक बना, उसके बाद 7 और 3 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसका देखिए 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, 1 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक देखने को मिला है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है। तो अभी इसको यहाँ पर इरेज करके हम साइड में क्लियर करके लिख लेंगे, जो कि देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से हमें देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड लाइन देखेंगे, सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे। तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 30 का जोड़ी गेम, तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 का अंक बनेगा, उसका 3 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है। तो सेकेंड लाइन जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 30 का जोड़ी गेम, तो 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 3 और 1 को जोड़ा 4 का अंक बना, उसका 3 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी इरेज करके साइड में क्लियर करके लिख लेंगे, जो कि देखिए हमें सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला है। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 145 का अंक, तो देखिए 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 का अंक बनेगा, उसके बाद 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, उसके बाद 5 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 14 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 का अंक बनेगा, 1 और 4 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो अभी मैं आप लोगों को ये लाइन भी और एक बार समझा देता हूँ, जो कि थर्ड लाइन क्लोज पैनल से। तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 145 का अंक, तो 1 और 4 को जोड़ा 5 का अंक बना, उसके बाद 4 और 5 को जोड़ा 9 का अंक बना, उसके बाद देखिए 5 और 9 को जोड़ा 14 का अंक बना, उसके बाद फिर से 1 और 4 को जोड़ा 5 का अंक बना, 1 और 4 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में, तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, उसके बाद सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, उसके बाद थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, तो ये तीनों लाइन पहला लाइन देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी इनसे और एक लाइन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे। मतलब कि देखिए जो ये तीनों लाइन देखने को मिला है, मतलब कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन, जोड़ी गेम से सेकेंड लाइन, क्लोज पैनल से थर्ड लाइन, ये तीनों लाइन पहला लाइन देखने को मिला है। अभी तीनों के तीनों लाइन से और एक करके लाइन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से हमें 2 और 0 का अंक देखने को मिलता, तो 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो अभी देखिए 2 और 1 को फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनेगा। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में, तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला था। तो देखिए जो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से देखने को मिला है, इसको यहाँ पर देखिए अभी फिर से माइनस कर देंगे, तो 4 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में, तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला था। देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखने को मिला है, इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे,
तो 5 और 3 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 8 का अंक बनेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन में अपन पैनल से प्लस किया है, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से माइनस किया है और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी प्लस किया है, ठीक है। तो अभी देखिए हमें 3 लाइन के हिसाब से क्या क्या अंक देखने को मिला है। पहले लाइन के हिसाब से हमें 3 का अंक देखने को मिला है, दूसरे लाइन के हिसाब से 2 का अंक देखने को मिला है और तीसरे लाइन के हिसाब से 8 का अंक देखने को मिला है। तो 3 अंक देखने को मिला है। अभी हमें और एक अंक चाहिए, मतलब कि अभी हम और एक अंक देखेंगे। और एक अंक क्या देखेंगे, देखिए जैसे कि देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 3 का अंक देखने को मिला है और 3 का फैमिली 3 का कट, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 8 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 का अंक देखने को मिला है, तो 2 के फैमिली को और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 का अंक, ठीक है। तो अभी देखिए इन सबको इरेज करके यहाँ पर गेम में देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 का अंक जाएगा और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 3 और 8 का अंक जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में 2 और 7 का अंक देखने को मिला और नॉर्मल ओडिसी गेम में 3 और 8 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया, जो कि यहाँ पर 16 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग नए आए हैं चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ आपको पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।